तो प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, अपन को इस चीज का इंटीग्रेशन निकालना है। सो ट्राई करो, फिर देखता है इसको कैसे कर सकता है। तो मैं लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू जो इंटीग्रेशन दे रखा है अपन को, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 7x-10 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो सबसे पहले तो फैक्टर कर लेता है नीचे वाली चीज के। सो फैक्टर करोगे तो तुम्हारे पास आएगा x-5 and 2-x की होल पावर 3/2। अब यहाँ पर क्या करो, x की जगह तुम 5 टाइम्स कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स sin अल्फा का होल स्क्वायर ये अगर पुट करोगे, सो तुम्हारा dx 10 टाइम्स cos अल्फा and -sin अल्फा and 4 टाइम्स sin अल्फा ये cos अल्फा, सो ये -3 टाइम्स sin 2 अल्फा आ जाएगा। तो अगर अपन पुट करें तो 5 टाइम्स cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स sin अल्फा का होल स्क्वायर dx की जगह दिस, एंड यहाँ पे डी अल्फा आएगा। एंड डिवाइड में अगर देखोगे सो x-5 अगर कैलकुलेट करोगे सो कितना आ रहा है, तो बेसिकली अगर यहाँ से देखोगे तो -3 sin अल्फा का होल स्क्वायर आएगा। तो बेसिकली -3 sin अल्फा होल स्क्वायर, और वैसे 2 - x को चेक करोगे सो -3 cos अल्फा का होल स्क्वायर आएगा, और होल पावर अपन को 3/2 दे रखी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन, 5 टाइम्स cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स sin अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स sin 2 अल्फा डी अल्फा एंड -3 sin अल्फा का होल स्क्वायर -3 cos अल्फा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। तो अगर देखें इसको अपन, तो ये इस टाइप का हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स sin अल्फा का होल स्क्वायर। नीचे यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 27 sin अल्फा का होल क्यूब एंड कॉस अल्फा का होल क्यूब, एंड ये यहाँ पे अपने पास है -3 2 sin अल्फा cos अल्फा डी अल्फा। तो बेसिकली एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये -6 को बाहर कर लेता है, सो -6/27 तो -6/27 हो गया। एंड यहाँ पर अगर अपन चेक करें सो sin²α cos²α बचा। सो अगर चेक करेंगे तो ये 5 टाइम्स cosec अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि cos²α कैंसिल हो जाएगा वहां पर, और ये 2 टाइम्स sec ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर डी अल्फा बचेगा। सो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, 5 टाइम्स माइनस का 5 टाइम्स cos अल्फा cot अल्फा प्लस 2 टाइम्स tan अल्फा इस तरीके से आ जाएगा। cosec अल्फा का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन एंड sec अल्फा का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमें सिंपल पता है, एंड ये यहाँ पर -6/27। एंड सिंपली इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, तो कर लेते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई। सो ये यहाँ पर -2/9 हो जाएगा। सो -2/9 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड कॉट अल्फा, यहाँ पर अपन निकाले तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू अपना ये था, तो यहाँ पर अगर मैं 2 - x करूं तो 2 - x करने पे मेरे पास क्या आएगा, बेसिकली -3 cos अल्फा का होल स्क्वायर। एंड वैसे ही मैं यहाँ पर अगर x-5 करूं तो x-5 करने पर यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स sin अल्फा का होल स्क्वायर एंड -5 sin
साइन अल्फा का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 3 साइन अल्फा का होल स्क्वायर आएगा, और अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कॉट ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पर तुम्हारे पास 2 माइनस x/(x-5) हो जाएगा, और फिर उसका अंडर रूट ले सकते हो। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया, वैसे ही यहाँ पर टेन अल्फा देखोगे तो टेन अल्फा का होल स्क्वायर बेसिकली यहाँ से x-5/(2-x) आ जाएगा, सो उसकी वैल्यू भी यहाँ से पुट कर सकते हो। सो इस तरीके से बेसिक अपन इसको कर सकते हैं।